अब ये तस्वीर देखिए, जो तमाम जैन समाज के लोग हैं वो राजभवन के समीप पहुंच चुके हैं। हजारों की संख्या में बड़े बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी शामिल हैं और सबों के हाथों में तख्तियां हैं और सभी एक संदेश देना चाहते हैं, सरकार तक ये अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो पारसनाथ पहाड़ी है, सम्मेद शिखर जो है, उसे पर्यटन स्थल के तौर पर ना विकसित करके जो धार्मिक स्थल है वही रहने दिया जाए। अब देखिए, ये भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि तमाम जो समाज के लोग हैं, जैन समाज के लोग, वो आज सड़क पर उतर चुके हैं और अब राजभवन के समीप उनका हुजूम पहुंच चुका है। यहां से वो सीधे राज्यपाल तक जाएंगे, राज्यपाल के पास एक प्रतिनिधिमंडल जाकर ज्ञापन सौंपेगा और फिर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएगा कि आखिर जो फैसला लिया गया है उसे वापस किया जाए। तो ये तस्वीर, मौन रैली है, ये पहला प्रदर्शन है आज रांची की सड़कों पर। झारखंड के गिरिडीह जिले में ही पारसनाथ पहाड़ी है, जिसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है और वो जैन धर्म के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। वहाँ पर कई जो जैन धर्म के पुजारी रहे हैं वो वहाँ पर पहुँच कर अपने साधना तपस्या को पूरा किया है। तो ये तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश है इस समाज के भीतर जो फैसले सरकार के द्वारा लिए गए थे। अब तमाम जो हुजूम है, जो लोग हैं, वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कई किलोमीटर लंबा इनका ये रैली बना, जो मानव श्रृंखला के तौर पर था। आज मौन रैली है, इसलिए ये लोग कोई नारा नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पहुँचे हैं। नहीं कभी पर्यटन बनेगा, तीर्थ तीर्थ सदा रहेगा, तो ये नारे के साथ, स्लोगन के साथ सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। तो ये तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि कितने तादाद में जैन समाज के लोग आज सड़क पर निकले थे और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजभवन के समीप से इनका आक्रोश रैली जो था, जो मौन रैली था, वो कोतवाली थाने के समीप से, शहीद चौक के समीप से निकला था और अब वो राजभवन के समीप पहुंच चुका है। यहाँ राज्यपाल को ये लोग ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से भी बातचीत जारी है, केंद्र सरकार की तरफ से भी बातचीत जारी है और इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द सरकार इस फैसले को वापस लेगी, लेकिन फिलहाल ये सभी अपने मैसेज को पहुंचाने में जुटे हुए हैं कि जल्द सरकार उस फैसले को निरस्त करे, उस आदेश को निरस्त करे, ताकि इनके जो धार्मिक स्थल हैं, जो सम्मेद शिखर है, वो बचा रहे, वहाँ किसी भी तरह की गतिविधि ना बढ़े, क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में जैसे ही वो उसको विकसित किया जाएगा वहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और जिन चीज़ों से ये परहेज करते हैं उसका बढ़ावा होगा। तो ऐसे में अब ये समाज के लोग पूरी तरह से सड़क पर उतर चुके हैं। देखिए, ये कतार खत्म नहीं हो रही, इतनी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं कि इनकी संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और ये भीड़ देखिए राजभवन के समीप किस तरह से इकट्ठा हो रहा है और राज्यपाल तक अपना ज्ञापन पहुंचाने की कोशिश है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और जो फैसले हैं वो वापस लिए जाए। आगे इधर से नहीं जा पाओगे, इधर से रास्ता नहीं होगा।
नहीं नहीं प्रेस वाला आ जाएगा ना, प्रेस वाला समझ रहे हैं नहीं आएगा 50 साल दोबारा अरे वो लोग तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप राजभवन के समीप से जहां पर प्रिपेयर भी करो ना ये तस्वीर देखिए कितने लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैन समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सीधे तौर पर राजभवन तक पहुँचकर अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक। तो ये तस्वीर दिल्ली, अहमदाबाद, कई शहरों के बाद राजधानी रांची की सड़कों पर भी अब जैन समाज के लोग उतर चुके हैं।